सभापति महोदय, ये सरकार झूठ जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है और मुझे ताज्जुब है इस बात का। एक तरफ तो सरकार जो है, जितनी सरकारी कंपनियां थी, जो पीएसयूज हैं थी, उनका निजीकरण करने में लगी है, और दूसरी तरफ जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। ये कंट्रडिक्शन जो है इस सरकार का, ये इतना भयंकर है, ये देश को कहां ले जाएगा। सभापति महोदय, 1949 की ये संस्था जो चार्टेड अकाउंटेंट्स की है सर, उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में बाबू जो है रेड टेपिज्म को खत्म करना है, सब कुछ बाबू तय करते हैं। यहां क्या कर रहे हो, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनोमस बॉडी, वो लोग अपना इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, उसको खत्म करके आप बाबुओं को वहां बिठा रहे हो। वो बात अलग है कि आज इनका भी, कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना, परसों वहां भी बाबुओं को जो है वक्त आएगा, वक्त आने वाला है कि आप पॉलिटिकल लोग मंत्री नहीं बनोगे, आप मंत्री नहीं बनोगे, बाबू भी आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए एक इस सरकार ने क्या किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप आज चार्टेड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, कल आप कहोगे कि साहब बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों आपको बाकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है, जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज थी सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। साहब ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, देखिए 3.5 लाख जो हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, और जो ये टेस्ट होता है सभापति महोदय, इस मतलब उस पर आज तक सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं जो सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई, आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनोमस बॉडी को आप जो है कंट्रोल कराना चाहते हैं, आप उनको अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अनुराग, वो बोल रहे थे कि साहब खुद आप तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही एम्पायर होंगे। साहब सरकार में क्या होता है, क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करता, क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता? अरे ये कहां का तर्क है आपका कि वो ऑटोनोमस बॉडी है तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती, जबकि सरकार के अंदर तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वही जूनियर ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई करता है। ये कंट्राडिक्शन है। One more member left out. Adhir Ranjan has to speak. Thereafter, the house may be adjourned. If the sense, I want to know the sense of the house. Let it be extended for 10 minutes. I am just concluding. I am just concluding. ये conflict of interest की बात करते हैं. Please conclude. Conflict of interest की बात करते हैं, sir. ये कहाँ, मतलब क्या सरकार में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मेडिकल कमीशन बना आया था, बिल आया था, हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज में इंट्रूजन ना करे, उनकी स्वायत्तता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको ऑटोनोमी उनकी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।